मास्टर जी ने और भी समझाया, देखो अगर पास होना है तो अभ्यास करना होता है, स्कूल में आना पड़ता है रोज, टीचर क्या पढ़ाते हैं वो ध्यान से सुनना पड़ता है तो पास होता है, केवल पूजा करने से पास नहीं होता है। तब से मैंने भगवान को छुट्टी दे दी, लास्ट प्रार्थना की कि भगवान जी मैंने इसके पहले बहुत आपको तलाशा, आपको खिसा नहीं है, पैसा जो लोग रखते हैं पैसा गायब हो जाता है मंदिर में, देखा खीसे में तो भगवान को खिसा ही नहीं है, लोग पेड़ा रखते हैं कहा जाता है मालूम नहीं, क्योंकि भगवान को मुंह भी नहीं खुलता है, दांत भी नहीं है तो पेड़ा ही चले जाता है। तो अभी भगवान को कहा कि इसके आगे मैं आपके मंदिर में जरूर आऊँगा, लेकिन पेड़ा खाने के लिए और जो लोग पैसा रखते हैं उठाने के लिए। परिणाम ये हुआ कि मेरे स्कूल में अगर मुझे पेंसिल नहीं है तो माता जी को बहुत परेशान करके कभी 10-12 दिन के बाद पेंसिल मिलती थी और स्कूल में मुझे काफ़ी दिक्कतें होती थी। परंतु जब से भगवान से पैसा उठाना शुरू किया, ना मुझे पेंसिल लेने के लिए घर से पैसा मांगना पड़ा, ना पार्टी लेने के लिए, पूरा काम मेरा वहाँ हो गया। और दूसरा ये हुआ कि अभ्यास करना होता है, ये जो संदेश हेडमास्टर जी ने दिया वो मेरे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि उसके बाद मैं केवल 7वीं नहीं, SSC नहीं, ग्रेजुएट हुआ और उसके बाद 4-5 समय महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के जो इम्तहान होते हैं उसके लिए भी मैंने दी और एक भी बार फेल होने का मौका मुझे आज तक नहीं आया है। और इसलिए राज्य शासन में ऑफिसर रहा, फिर महानगर पालिका में जब बुलावा आया महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस के द्वारा तो कम पगार पर मैंने महानगर पालिका ज्वाइन की, आगे चलकर वार्ड ऑफिसर हुआ, फिर डिप्टी कमिश्नर हुआ। जब ऑफिसर की नौकरी में राज्य शासन से रेजिग्नेशन दिया तो मेरे सभी वरिष्ठ अधिकारी ने मीटिंग ली और कहा, अरे खैरनाथ तुम क्या कर रहे हो, हमारे राज्य शासन की नौकरी बड़ी सुरक्षित है और आप जो म्यूनसिपाल्टी में जा रहे हैं उसमें इतना राजकारण है, आप जैसे सीधा आदमी वहाँ टिक नहीं पाएगा, यहाँ राज्य शासन की नौकरी में आपको कोई बेदखल नहीं करेंगे लेकिन महानगर पालिका की नौकरी में आप कुछ राजकारण के वजह कारण आगे जा नहीं पाएंगे। फिर भी मैंने रिस्क लिया, महानगर पालिका ज्वाइन किया। महानगर पालिका के अनुभव इतने ज़्यादा है, शायद आप एक घंटा भी मैं लेक्चर दूंगा तो पूरे नहीं होंगे, परंतु मुझे मैनेजमेंट ने केवल 10 मिनट का टाइम दिया है। 10 मिनट में मैं क्या क्या कहूँ और क्या क्या नहीं कहूँ ये भी मेरे लिए बड़ी मुसीबत है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी से उनके लड़के ने एक होटल बनाया, होटल में बेकारों ने बांधकाम बढ़ा दिया तो हमने नोटिस दे दी, एक दो बार कुछ बिल्डर भी ले आया, लड़का भी आया कि वो बिल्डर बोलते हैं साहब आपको मालूम है आपने किसको नोटिस दिया है, मैंने मुझे नहीं मालूम, मैंने तो अवैध बांधकाम को नोटिस दी है। अरे ये मुख्यमंत्री का लड़का है आपको मालूम नहीं है, इस पर आपने नोटिस कैसी निकाली, मैंने बोला लड़के पर तो मैंने नोटिस नहीं निकाली, मैंने उनके अवैध बांधकाम पर नोटिस निकाली है, वो निकाल दे तो अच्छा है, नहीं निकाला बहुत सारी उसमें भी स्टोरी है। फिर हम एक दिन डिमोलिशन के लिए वहाँ चले गए, अपने मुख्यमंत्री जी दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ बातचीत कर रहे थे, उनको संदेशा गया कि आपके लड़के की होटल टूट रही है, उन्होंने फौरन मंत्रालय को फोन किया, पूरा महाराष्ट्र का मंत्रालय मानो कोई भूकंप हो गया, सब कोशिश करते थे मुझे संपर्क करने की, चीफ मिनिस्टर की पत्नी भी आई, उनके PA वगैरह सब आए और सब बोल रहे कि भाई होटल में फ़ोन आया है आप जरा फोन लीजिए। मैंने कहा भाई बांधकाम तोड़ने के समय में किसी का फ़ोन नहीं लेता हूँ, क्योंकि फ़ोन लेने से वो कौन बात करता है क्या बात कर रहे पता नहीं चलता है, फिर उनका सही आदेश है या नहीं है वो पता नहीं चलता है, इसलिए मैं कोई सचिव का ना कोई मंत्री का या कोई कमिश्नर का फ़ोन मैं नहीं लेता हूँ। हमने वो डिमोलिशन हुआ, फिर वायरलेस की गाड़ी आई और वायरलेस की गाड़ी ने कहा कि कमिश्नर साहब आपको संपर्क करने के लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं आप मिल नहीं रहे। तो मैंने अधिकारी को बुलाया, देखो कमिश्नर को रिपोर्ट दे दिए फटाफट तोड़ कर डिमोलिशन करो ताकि मुझे रिपोर्ट देनी है। तो काम हुआ, कमिश्नर को फ़ोन किया, उसने बोला अरे खैरनाथ क्या हो गया आपने क्या कर दिया, मैंने कुछ नहीं साहब एक नोटिस दिया अवैध बांधकाम था वो तोड़ दिया पूरा तोड़ दिया,
एक खंबा बचा है साहब, आपका फोन आया, आपका मैसेज आया है, इसलिए मैं आगे का काम बंद कर दिया है। एक खंबा बाकी है, वो तोड़ा है नहीं तोड़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कांगा घर के कमिश्नर थे, और बड़े उत्साह से हो, अरे वो बहुत अच्छा हुआ खैरनाथ। मैं अभी मुख्यमंत्री को बोल देता हूँ, दिल्ली में है वो, कि जब तक आपका संदेश नहीं आया था जो टूटा वो गया, लेकिन जैसे आपका संदेश आया मैंने आगे का बांध काम तोड़ने का बंद कर दिया। तो वो एक अच्छा काम हमारे कमिश्नर को हो गया। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ऐसे मानने वाले थोड़े थे, बीच की सभी बातें टाल देता हूँ। तो अपने शिवसेना प्रभु बाला साहेब ठाकरे थे, अभी गुजर गए बेचारे, एक दिन उसने मुझे बंगले पर बुलाया। मैंने बोला भाई क्या काम है बताइए, फाइल जरा मैं देख लेता हूँ फिर आता हूँ आपको मिलने के लिए। नहीं नहीं नहीं, फाइल बिल मत लाओ, अब जल्दी आ जाओ मिलने। कमिश्नर को फोन किया कि ठाकरे साहब उनके बंगले पर बुला रहे हैं, कुछ काम काज है, तो जाओ। बोले जाओ। मिलने गया, पत्नी लड़के को सब इंट्रोड्यूस किया, रहे ये खैर वही खैर ना रहे जो पेपर में हमेशा आते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। फिर मुझे उसने कहा कि खैरनाथ साहब कल मुझे मुख्यमंत्री जी ने उनके बंगले पर बुला लिया था, और उन्होंने आदेश दिया कि खैरनार जो अधिकारी है उसके कारण समाज में दंगे हो सकते हैं, अशांति फैल सकती है, तो इसको ठिकाना लगाना आवश्यक है। और वो मुंबई में खैरनार जैसे आदमी का ठिकाना केवल ठाकरे ही लगा सकते हैं, वही एक आदमी है कि वो उसको मरवा सकते हैं, आगे ऊपर भेज सकते हैं। तो देखो मेरी जिम्मेदारी आ गई, और भी बातचीत तो लंबी हुई। अल्टीमेटली उसने कहा कि देखो मुझे शिवसेना अभी अभी जरा अच्छी हो रही है, इसको मुझे आगे बढ़ाना है, अगर मैंने आपको मारने का काम नहीं किया तो मेरी शिवसेना पार्टी को सब ध्वस्त कर देंगे। मुझे आप अच्छे अधिकारी ईमानदार अधिकारी होने के बावजूद भी मेरी शिवसेना पार्टी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने के कारण मुझे मेरा काम करना होगा। बहुत सारी चीज़ें बीच में मैं नहीं आता हूँ, क्योंकि एक दो कर्नल भी मुझे आए बीच में मिलने के लिए, मेरे चेंबर में आकर बोलते हैं कि मुझे वो खैरनार को मिलना है, वार्ड ऑफिसर खैरनार होता, वो वार्ड ऑफिसर था। मैंने बोला मैं खैरनार हूँ, अरे अरे आप नहीं, वो खैरनार जहाँ मुख्यमंत्री जी के मीटिंग में उनका जिक्र हो रहा था। मैंने बोला मैं देखने में बहुत ऐसा गवार आदमी हूँ, लेकिन वार्ड ऑफिसर मैं खुद ही हूँ। तो गले मिले, और उन्होंने कहा कि कमिश्नर, मुख्यमंत्री, पुलिस कमिश्नर, अतिरिक्त आयुक्त, ये सब लोग मुख्यमंत्री जी को आग्रह कर रहे थे कि यदि खैरनार का तबादला अभी किया तो गलत संदेश जाएगा, इसलिए हम थोड़ा रुको, महीना दो महीना रुको, हम दो चार वार्ड ऑफिसर को इकट्ठा करके तबादला कर देंगे खैरनार के साथ। मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं था, और ये लड़ाई जोर लगा रहे थे, और वो कर्नल साहब शिवाजी पार्क में जो संचलन था उसके लिए आए थे इजाज़त लेने के लिए। तो वो सुनकर वो मुझे मिलने के लिए आए, मुझे बड़ा गर्व हुआ कि चलो कर्नल साहब ये बहुत बड़ा आदमी होता है, मिलने के लिए आए। चलो एक बात वो हम दूर रख देते हैं, अभी अपने राणे साहब है, वो मेरे मित्र है। मैं जब घाटकोपर एरिया में, राणे साहब जो अभी कांग्रेस में गृह मंत्री है, तो जब चेम्बूर में मेरा तबादला हुआ डिप्टी कमिश्नर के तौर पर, तो मुझे इतनी शिकायत आने लगी महिलाओं की कि राणे के गुंडे हैं, वो झोपड़ी बनाते हैं, महिलाओं की इज्जत लूटते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी शिकायतें। तो मैंने राणे को एक दिन बुलाया, नगर सेवक थे उस समय, मैं डिप्टी कमिश्नर था, उसको बुलाया, पूछा अरे राणे लोग बोलते हैं तुम्हारे पास 2000 गुंडे की टोली है और आप महिलाओं को भी सताते हैं अवैध बांधकाम के साथ साथ। तो मैं अभी डिप्टी कमिश्नर आया हूँ, मैं पुलिस अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन याद रख अगर आपने ऐसे ही काम जारी रखा तो आपके कपड़े उतार कर पुलिस स्टेशन के द्वारा उसकी इतनी पिटाई करूँगा कि आप सोचेंगे नहीं कि हम ऐसे कर सकते। तो आपके गुंडे को कंट्रोल करते, तुम्हारी टोली को छोड़ते हैं, या फिर पुलिस से पिटवाई करना चाहते हैं। राणे हाथ जोड़कर थरथरा रहा था, पाँव भी थरथराते थे, बोलते साहब मेरे पास 2000 गुंडे नहीं, 50 गुंडे ही है, 50 लोग ही है, उसमें से सॉरी 100 लोग ही है,
उसमें से 50 लोग हमारे शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की रक्षा करते हैं। मैंने कहा अरे सब 100-200 पुलिस ठाकरे की रक्षा करते हैं तो उस आपको क्या पड़ी है 50 लोग वहाँ भेज देगी। उसने बोला नहीं नहीं वो ठाकरे का भरोसा पुलिस पर नहीं मेरे लोगों पर भरोसा है इसलिए मुझे भेजना पड़ता है। बाकी साहब मेरे पास 50 लोग हैं, अगर ये मुंबई में नगर पार्षद काउंसलर बनना है तो ये 50 लोग तो आवश्यक है, अगर नहीं है तो मैं नहीं बन सकता हूँ, मुझे मर्डर हो जाएगी वगैरह वगैरह। एक ये बात है 1991-92 की, बाद में मेरा तबादला हिराफेज में हुआ, अवैध बांधकाम का काम मुझे मिला। दाऊद इब्राहिम के लोगों ने अवैध बांधकाम किए हुए थे और जब जानकारी ली तो 6000 अवैध बांधकाम थे, उसमें से 150 बिल्डिंग थी चार चार पाँच पाँच माले की, और वो तोड़ने का जिम्मा मेरे पास आया था। मैंने 20-25 बिल्डिंग तोड़ी, तो ये अवैध बांधकाम तोड़ने का किस अंदर में हाँ दाऊद के ये बिल्डिंग तोड़ने का सिलसिला जारी था, क्योंकि शुरू में सरकार ने मुझे पूरा बंदोबस्त देने की मदद करने की ये की थी। मंत्रालय में मीटिंग हुई, चीफ सेक्रेटरी वगैरह सब थे, सभी ने वादा किया कि आप करो डिमोलिशन हम आपको मदद करेंगे। डिमोलिशन का सिलसिला शुरू हुआ, 29 बिल्डिंग टूटी, दाऊद इब्राहिम की खुद की बिल्डिंग अपने सभी परिवार के लिए बनाए हुई एक बिल्डिंग थी पिंडी बाजार में, वो तोड़ने का जब मौका आया तब तक बीच में दंगे भी हुए, हमारे मुख्यमंत्री चले गए, दूसरे मुख्यमंत्री आए और कि बहुत सारा बदलाव हुआ, और फिर मुझे मेरे ही शासन जो तोड़ने के लिए मुझे अगुवाई करते थे वही कहने लगे कमिश्नर अरे खैरदार साहब आपका इतना नाम हुआ है, पेपर में इतना आया है, आपने इतनी बिल्डिंग तोड़ी है, अभी आगे तोड़ने की क्या जरूरत है, बंद कर दीजिए। मैंने कहा ये दाऊद इब्राहिम गुंडा जैसा आदमी जिन्होंने 100-150 बिल्डिंग यहाँ बनाई है और 40-50 बिल्डिंग अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है जो ऑक्यूपाई नहीं हुई है, कम से कम उतनी तो तोड़नी चाहिए। अरे नहीं नहीं ऊपर से ये है दबाव है ये है। मैंने बोला आप पवार को बोलो उनको क्या गुंडों को क्यों मदद करते हैं, उनका क्या संबंध है गुंडों को मदद करने का, तो मेरा कार्यवाही मेरी जारी रखेगी। मैंने जारी रखा कुछ दिनों तक, पुलिस कमिश्नर ने एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने एक दिन फोन किया कि दाऊद की टोली आपको मारने के लिए आई है वगैरह वगैरह वगैरह, जेड सिक्योरिटी वगैरह भी मिली। आगे चलकर दक्षिण मुंबई में ये भवन तोड़ने के समय बहुत ऐसे लोगों का मेरा संपर्क हुआ जिसमें से एक ने कहा कि दाऊद के पिताजी को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हमारा संबंध है। उन्होंने दाऊद को फोन किया कि खैरनार साहब को मारना चाहते हैं। दाऊद ने क्या कहा, नहीं खैरदार साहब को हम मारने की कभी सोचा नहीं है, वो एक ही ईमानदार अधिकारी है, अगर उसको मैंने मारा तो मुझे मरने के बाद अल्लाह को क्या जवाब देंगे कि तुमने खैरदार को ईमानदार अधिकार को मारा है, मैं उनको मारूंगा नहीं, और उनको कहो कि जीवन भर कभी भी उसको हमारे से तकलीफ नहीं होगी। उसके पहले दाऊद के लोगों ने नाइक साहब सुधाकर नाइक मुख्यमंत्री थे उनको 5 करोड़ की ऑफर की थी। मेरे अधिकारी ने कहा कि दाऊद इब्राहिम के लोग उनके घर आए, उन्होंने कहा कि खैरदार को मेरी बिल्डिंग बचाने के लिए 10 करोड़ देने के लिए तैयार है, अगर वो अपनी नौकरी छोड़कर चले जाता है मुंबई से तो हम 110 करोड़ देने के लिए तैयार है, अगर उसमें उनका समाधान नहीं है तो हम ज़्यादा पैसा देंगे अगर वो छोड़ कर जाता है। अधिकारी बोलते साहब मेरे घर में आए, उन्होंने बोला तो सही है लेकिन मैं इसलिए डर गया हूँ कि दाऊद इब्राहिम जो आपको 10 करोड़ देना चाहते हैं वो किसी टोली को 50 लाख में आपको मरवा लेंगे, और आपको कोई हेड सिक्योरिटी हो या कुछ भी हो अगर उन्होंने तय किया तो आप जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए वो डर गया था और मुझे कह रहा था कि आप तबादला कर लीजिए, तबादला किया नहीं। कहने का मतलब ये है कि हमारे गुंड लोग भी हमारे राजनेताओं से कई गुना अच्छे हैं, वो ईमानदार अधिकारी को मारना नहीं चाहते, लेकिन हमारे नेता लोग कोई अगर ईमानदार अधिकारी काम करता है तो वो क्योंकि वो बेकानूनी काम के लिए मानता नहीं है इसलिए वो बहुत ही अड़चन बन जाती है, और फिर मेरे तबादला करना और क्या क्या नहीं बहुत परेशानी होती है। मालूम है आपको फिर मुझे सस्पेंड कर दिया, क्या क्यों सस्पेंड किया,
कि मैंने मुख्यमंत्री के विरोध में कुछ बोला, इसलिए मुझे निलंबन किया, कोर्ट ने निलंबन रद्द किया, पर ठाकरे तैयार न थे लेने के लिए, क्योंकि जब ये सत्ता कांग्रेस की गई और शिवसेना बीजेपी की सत्ता आई, तब जो मुख्यमंत्री बने सर, क्या नाम मैं भूल गया, हाँ मनोहर जोशी, तो मनोहर जोशी ने मुझे बुलाया, साहब हम आपके कारण मुझे ये सीट मिली है, हमारे कई लोग मंत्री बन गए हैं, अब हमें आप अगर समाज कार्य करना चाहते हैं तो हम आपको सब देने के लिए तैयार हैं, 60 लाख रुपए भी देंगे वगैरह वगैरह। मुंडे थे, मुंडे ने कहा मैं आपको हमें मालूम है कि तुम्हें घर नहीं है, हम आपको पुणे में बंगला देना चाहते हैं रहने के लिए वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपकी भीख मांगने थोड़ा आया हूँ नौकरी के लिए, मेरी लड़ाई मैं कोर्ट से लड़ूँगा, आपकी दया की मुझे ज़रूरत नहीं है, परंतु आप मेरे एक नगर सेवक थे, म्यूनसिपाल्टी में एक इंस्पेक्टर क्लर्क थे, फिर नगर सेवक बने, अभी मुख्यमंत्री बन गया, आपने बुलाया, इसलिए एक रिस्पेक्ट रखने के लिए मैं आया हूँ आपको मिलने के लिए, ना कि मेरी नौकरी वापस लेने के लिए। खैर मुझे लगता है समय थोड़ा पानी चाहिए, सादा पानी और थोड़े अभी थोड़ी गुंडों का कारोबार के बारे में थोड़ा कहना चाहूँगा। मैं जब FNR पे वार्ड ऑफिस आया तो एक वर्धा भाई करके एक आदमी था, मटुंगा में गणपति उत्सव बहुत बड़े पैमाने पर वो करता था। एक दिन का क्या हुआ कि साइंस स्टेशन के पास अतिक्रमण हटाने के लिए जब मैंने मेरे लोगों को कहा कि देखो इतनी शिकायत लोगों की आ रही है, स्टेशन से निकलने के समय इन लोगों के कारण अड़चन पैदा होती है, आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की, तो मेरे अधिकारी बोलते हैं साहब हम तो कार्रवाई क्या, पुलिस भी वहाँ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर सकते। क्यों नहीं हिम्मत कर सकते, क्योंकि वो वर्धराजन करके जो आदमी है उनके वो लोग हैं। तो मैं खुद पुलिस लेकर वहाँ गया था, तो तोड़फोड़ की, और थोड़े देर में जब मैं गाड़ी लेकर वहाँ एक पेट्रोल पंप है आयुर्वेदिक कॉलेज के सामने, तो वहाँ निकला और गाड़ी वहाँ खड़ी किया और देखा तो ये निकल नहीं रहे थे लोग, अभी निकले नहीं थे, इसलिए रुक गया और बाहर आ गया। जब रुक गया तब तक और राह देख रहा था कि पुलिस की गाड़ी और हमारी गाड़ी, काम पूरा हो गया था, वो मटेरियल भर रहे थे, वो आने की राह ही देख रहा था, तब तक पता नहीं क्या हुआ जोर से खून गिरने लगा, शर्ट वगैरह पर आ गया, तो मैंने इधर उधर देखा तो एक आदमी डंडा लेकर मारने की तैयारी में था, उसके आसपास दो चार थे और दो चार लोग दूर से दौड़ के उनको उनके साथ देने के लिए आ रहे थे। तो मैंने सोचा भी 7-8-10 लोग डंडा लेकर अपनी पिटाई करने के लिए तैयार है, एक डंडा सर पर बैठा है, सर फूटा है और इसलिए खून बह रहा है, अभी ये दूसरा डंडा वो घुमाकर डालने वाला है, तो या मैं मर कर ही गिरूँगा, जिंदा नहीं रह सकता हूँ, जिंदा रहने की तो इच्छा होती है सबको। फिर मैंने सोचा कि ये जो अभी विचार करने के पहले ये जो डंडा गिर रहा है उसको तो कम से कम हम ये करें अड़ा दें, तो मैंने हाथ खड़ा करके वो डंडा को हवा में पकड़ लिया, थोड़ा अब मेहनत किया तो वो डंडा भी मेरे हाथ में आ गया उनके हाथ से छूट कर। फिर मैंने वो डंडा घुमाकर उसको इतना जोर से मारा कि वो घायल होकर नीचे गिर गया, पाँव रखा, और फिर बाकी लोग तब जो 7-8 वहाँ डंडे लेकर खड़े थे मारने के लिए, उनको बोला कि अभी अचानक आप सब मिलकर हमला करो, अब एक लाइन लगाओ, एक आदमी आगे आओ, तुम्हारा डंडा और मेरा डंडा देखते आप कितने बचते हैं। वो भी मेरा बहाना ही था, क्योंकि नीचे जो आदमी गिरा है बेहोश होकर वो जब तक ठीक है तब तक मेरा भी ठीक है, नहीं तो अगर इन लोगों को मारने की इच्छा पैदा हुई तो मुझे वो जिंदा नहीं रख सकते थे। तो बेहोश होने जो आदमी था उस पर जो मैंने पाँव रखा था वो थोड़ी देर में होश में आकर भागने लगा,
जैसे भागने लगा तो मैं बहाना किया उसको मारने का, अरे मारो मारो बाजू बाजू लोगों, देखो देखो ये गुंडे है इसे मारा है, पकड़ो इसको वगैरह वगैरह कर कर। एक बस जा रही थी तो बस में चढ़ गया, लेकिन कंडक्टर ने धक्का देकर बाहर निकाल दिया। बोले ही सब खत्म, ये खून वगैरह देखकर उनको ठीक नहीं लगा, उन्हें निकाल दिया। थोड़ा दौड़ा आगे तो एक मटके वाला का धंधा चालू था। वो देखो कमाल की बातें होते हैं, वो मटके वाला अचानक खड़ा, अरे खैरर साहब क्या हो गया क्या हो गया। मैंने बोला गुंडों ने मारा है। तो उनके 7-8-10 लोग लेकर वो आया दौड़ के, एक 50 फुट की दूरी पर होंगे डंडे मारने वाले। तो उन लोगों ने दो आदमी को भी पकड़ा, मुझे दवाखाने में लेकर टाके बीके मार ली। तो कहने का मतलब ये जो मटके वाला था वो सायल मच्छी मार्केट है सायल जंक्शन पर, तो वहाँ एक दो स्ट्रक्चर थे वो म्यूनसिपाली ने खाली कराकर रोड वाइंडिंग के लिए लोगों को पर्याय जगह दी थी। तो ये मटका वहाँ चल रहा था और वो मटका बंद करने के लिए जब मैंने सोचा तो मंत्रालय से कई सचिवों ने मुझे फोन ही नहीं किया, लिखित आदेश दिए वो मटका चला था होगा कोई भी हो, लेकिन अगर वो वहाँ है तो उसको पर्याय जगह देने के बजाय निकालना नहीं चाहिए। तो जब मैंने किसी का माना नहीं सरकार का भी, उनका डिमोलिशन किया, तो वो बाजू में आगे जाकर मटका का धंधा कर रहा था और वो जिनको मैंने नुकसान किया वो आदमी मुझे बचाने के लिए दौड़ के वहाँ आया अपने आदमी लेकर। देखो समाज की जो स्थिति है वो मैं बता रहा हूँ, कोई सज्जन आदमी या कोई दूसरे कोई आया नहीं मुझे बचाने के लिए, लेकिन वो गुंडे के आदमी मुझे उस दिन बचाने के लिए और मदद करने के लिए आए। ये वरदराजन का बहुत सारा लंबा इतिहास है, एक घंटा लगेगा उसको। एक दिन क्या ये जो मुझे मार पड़ी थी, तो मैंने मेरे असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं वार्ड में, तो 2-3 अधिकारी होते हैं उनको बुला लिया। मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है, ऐसा काम करने में तो अड़चन पैदा होगी अगर ऐसी मारपीट मेरी हुई तो। मुझे ये आप जरा चौकसी करके पुलिस स्टेशन पुलिस से चौकसी करके बताइए कि रिवाल्वर का लाइसेंस मुझे चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये मैंने खाली 3 अधिकारी को बोला। वरदराजन 2 दिन के बाद मेरे चैम्बर में आकर खड़ा हो गया, बोले साहब आपको रिवाल्वर का लाइसेंस चाहिए। अरे मैंने बोला आपको किसने बोला है रिवाल्वर का लाइसेंस चाहिए, मैंने तो मेरे खाली केवल अधिकारी ये बोला था। अरे उसने बोला कि मेरे केवल पुलिस में ही नहीं म्यूनसिपाल्टी में भी अपने आदमी है, क्योंकि उस समय उनका दावा था कि माटुंगा पुलिस स्टेशन में सीनियर इंस्पेक्टर के लिए 40,000 रुपया और दूसरे इंस्पेक्टर के लिए 25,000 रुपया ये देकर मैं मेरे जो पहचान के लोग हैं मेरे जो चॉइस हैं उनको ले आता हूँ। इसलिए माटुंगा पुलिस स्टेशन में उस समय सीनियर इंस्पेक्टर, एक इंस्पेक्टर और 2-3 सब इंस्पेक्टर ये उनकी मर्जी के होते हैं। वो कहानी मुझे मालूम था, तो उसने फिर ये कहानी बताई कि म्यूनसिपाल्टी में भी है, ठीक है चलो है, तो आपको मैं 3 दिन में लाइसेंस नहीं दे दूंगा, आपको रिवाल्वर ही मिल जाए और दे दूंगा। कैसे देगा? अरे हमारे एडिशनल पुलिस कमिश्नर चंद्र अभी भूल गया नाम, वो मेरे मित्र है। अरे एडिशनल पुलिस कमिश्नर आपके मित्र कैसे हो सकते हैं गुंडे के? अरे साहब मैं सेवा भी करता हूँ, आपका ये गलत ये है कि मैं गुंडा हूँ, मैं लोगों की सेवा भी करता हूँ, पुलिस कमिश्नर मेरे मित्र है, तो चलो हम आएंगे आपके मित्र को मिलने के लिए। तो मैं उनके साथ निकला, ग्रैंड रोड में असिस्टेंट कमिश्नर का घर था, वो मुझे वो ले गया वहाँ ले गया। मैंने बोला अरे तो असिस्टेंट कमिश्नर है, आप एडिशनल कमिश्नर के पास ले जाने वाले थे। अरे बोलता है साहब अपने देश में अगर भगवान को मिलना है तो नंदी को पहले हाथ लगाना पड़ता है, तो ये असिस्टेंट कमिश्नर है वो रिवाल्वर देने वाले ही है, लाइसेंस देने वाले हैं, तो क्यों नहीं इसको मिल लिया जाए। फिर अगर इसने नहीं काम किया तो फिर रामचंद्रन के पास जाएंगे, गुलामे में रहते हैं दयानंद। तो असिस्टेंट कमिश्नर बियर की बाटली कोई एप्पल फ्रूट्स वगैरह वो अपना अपना खा रहा था, तो मैं वहाँ बैठ गया। थोड़ी देर के बाद बोलते हैं खैरन साहब लीजिए एप्पल लीजिए, दिया एप्पल। आपको मालूम है एप्पल कहाँ से आए? वो फ्रूट मार्केट से आए होंगे एप्पल। नहीं 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 ये कश्मीर से अभी अभी वरदराजन ने मंगवाया है, आज सुबह मिले हैं ट्रेन से। वो तब तक वरदराजन अंदर जाता है और मिसेज उनकी मिसेज से बात करता है, वो जो मैंने घर काम के लिए लड़का दिया है वो बराबर काम कर रहा है? नहीं करता होगा तो मुझे बोलो, मैं उसका एक पाँव या हाथ तोड़ डालता हूँ।
वो मिसेज बोलते नहीं 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 अच्छा काम करता है तो हाथ पाँव तोड़ने की जरूरत नहीं है। खैर यानी फिर ये असिस्टेंट कमिश्नर अच्छे मेरे परिचय के थे क्योंकि वो लड़की की शादी के समय मुझे उन्होंने कहा था खैरनार साहब मेरी बेटी ने आपकी बेटी वो शादी होकर पहले माले पर वो घर है वहाँ जाने वाली है और वहाँ पानी नहीं है तो क्या आपकी बेटी को शादी के बाद नीचे जाकर पानी भराने के लिए आप लगाएंगे वगैरह वगैरह। तो मेरे पानी का नल भी जल्दी में अर्जेंसी में दिया भी था। उन्होंने ये भी सलाह दिया खैरनार साहब आपको लाइसेंस की जरूरत क्या है, अरे वर्धा एजेंसी दोस्ती कर लो आपका कोई केस बाल बाका नहीं क्या बोलते बाका हाँ केस बाल बाका नहीं करेंगे। मैंने बोला ठीक है फील्ड में रहता हूँ तो उस समय मुझे संभाल लेंगे लेकिन घर में दिन भर काम करने के बाद रात को अच्छी नींद आनी चाहिए दूसरे दिन काम करने के लिए तो इसलिए रिवाल्वर हम घर में रखेंगे वगैरह वगैरह बहुत सारी बात हुई। उन्होंने कहा कि बार बार उसने कहा कि आप दौड़ या वर्धराज इनसे दोस्ती करा लो आपको रिवाल्वर की जरूरत नहीं रिवाल्वर लेने क्या क्या नुकसान है वो भी सब बताया लेक्चर दिया। फिर ये वादा किया गया कि मैं मेरा रिवाल्वर लॉक में कपाट में रखूँगा। परंतु दूसरे तीसरे दिन हम दाऊद इब्राहिम के कलेक्टर के द्वारा वडाड़ा में बहुत सारे गोडाउन बने थे बेकारों ने वो तोड़ने हम चले गए। कलेक्टर साथ में थे पुलिस थे 200 पुलिस भी थी उनके डिमोलिशन जारी था। तब तक वर्धराजन आया और गालियां देने लगा। हम कलेक्टर और हम एक बिल्डिंग के ऊपर अधूरी बिल्डिंग के ऊपर देख रहे थे तो वो नीचे से गालियां देता है कलेक्टर को भी गालियां देता है मुझे गालियां देने की उसकी हिम्मत नहीं हुई कलेक्टर को दे रहे थे। ये बहुत सारा यानी डिटेल्स है। आज बात करने का समय मर्यादित है मैं आपको ज़्यादा बोरिंग भी नहीं करना चाहूँगा। ये है कि साउथ मुंबई में डिमोलिशन के समय दाऊद के लोग दाऊद के भाई वगैरह सब आते थे आनीस वगैरह वगैरह लेकिन अगर मुझे देख लिया तो खाली हाथ जोड़कर चले जाते थे। अगर मैं नहीं हूँ तो डिमोलिशन नहीं करने देते थे। तो बहुत सारी कहानियाँ है अपना 67 साल हमारे देश को इंडिपेंडेंस होकर गुजर गए हैं और ये 68 का आज 2000 है। जैसे मैंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में इतने प्रबुद्ध लोग यहाँ तो बहुत पैसे वाले लोग रहते होंगे काफ़ी जिम्मेदार लोग रहते होंगे क्वालिफाइड लोग रहते होंगे और ये बहुत एक बढ़िया कॉलोनी है। मैं कभी स्वप्न में भी नहीं देखा था कि अपने देश में ऐसी कॉलोनी भी हो सकती है। जो मैंने देखा सुना था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है अमेरिका इंग्लैंड वगैरह फ्रांस वगैरह वहाँ ऐसा होता है लेकिन अपने देश में भी ऐसा हो सकता है ये हमारे लिए गर्व की बात है और हम देश को सुधार सकते हैं। परंतु हमारा जो लोगों का चारित्र है खास करके हमारे राजनेता हमारे धर्म के ठेकेदार लोगों का जो चारित्र है वो इतना खराब हो चुका है और उन्होंने अपने देश के करीबन सभी सरकारी महकों को खराब करके रखा है। अगर ये राजनेता और ये हम हमारे चारित्र में सुधार लाते हैं और हमारी सोच समझ में सुधार लाते हैं और अच्छे लोग सही मायने में चुन कर देते हैं तो हमारा देश इतना तरक्की कर सकता है। मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका वगैरह वगैरह कभी भारत के सामने टिक पाएंगे। परंतु दुर्भाग्य हमारा यह है कि हमारी पूरी सिस्टम इतनी करप्ट इतनी बेमानी हो चुकी है गवर्नेंस सिस्टम कि प्रोग्रेस करना काफ़ी मुश्किल है। तो आज 15 अगस्त के अवसर पर आप मुझे जो बहुमान दिया मेरा जो हानर किया और यहाँ बुलाया उसके लिए धन्यवाद देता हूँ और आपको याद दिलाता हूँ कि आप ही नहीं आपका ही कर्तव्य नहीं आपका ये भी कर्तव्य है कि हमारे समाज के बाकी जो लोग हैं अभी अंधश्रद्धा में है भगवान के लिए ढोंग पीटते रहते हैं जो भगवान ने कभी किसी को दिया नहीं है हम खाली कल्पना में भगवान ने यह सब दिया ऐसे बोलते हैं। लड़का हुआ लड़की हुआ भगवान ने दिया पति पत्नी ने नहीं दिया ये हमारी सोच समझ है। तो ये कोई भगवान ये दुनिया में कोई है ही नहीं फिर भी हम भगवान की ढोंग करते हैं और इसके द्वारा समाज में काफ़ी
संदेश जाता है। तो आपने समाज को एक समझ देने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए प्रयत्न करना आवश्यक है। हर भारतीय का जो लिखे पढ़े है, समझते हैं, उनका कर्तव्य है कि हमारी ये जो देश के बाकी लोग हैं जो पीछे हैं, उनको भी आगे आने की, उनको समझ देने की, शिक्षा देने की हमारी जिम्मेदारी है। अगर वो हम निभा सकते हैं तो बड़ी कृपा होगी। इसी शब्दों के साथ मैं आपकी छुट्टी लेना चाहूँगा। धन्यवाद।